हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन को अच्छे से समझ लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर पॉलीमर दोनों बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब इसमें एग्जाम्पल सबसे पहला क्या आएगा बच्चों, सबसे पहला हमारा एग्जाम होगा बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा होगा यहाँ पर पॉलीथीन। क्या होगा बच्चों? पॉलीथीन। अब एक एक करके आपको ध्यान भी रखना है नाम, और यहाँ पर मोनोमर यूनिट्स भी आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली में आपका पॉलीथीन अभी आपका वाइडली यूज हो रहा है बच्चों, तो इसमें आपका पॉलीथीन, ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। यहां पर पॉलीथीन के दो टाइप है बच्चों। सबसे पहला लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE। सबसे पहला आपका क्या बच्चों? लो डेंसिटी पॉलीथीन। सबसे पहला आपका क्या बच्चों? लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में हम समझेंगे बच्चों यहां पर, कि लो डेंसिटी पॉलीथीन आपका होता क्या है। देखो सबसे पहले CH2, ये आपका इथीन है। अब देखो n मॉलिक्यूल ऑफ इथीन को अगर मैं पॉलीमराइजेशन कराऊंगा, कौन सा पॉलीमराइजेशन होगा बच्चों? एडिशन पॉलीमराइजेशन। कौन सा होगा? एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है बच्चों, इसका यूज तो आप लोगों को एक बार पढ़ना है, ठीक है, NCERT के थ्रू आपको एक बार इसके यूज को थोरोली एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा बच्चों? CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? N। अब रही बात की यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, इसको हाई प्रेशर 200 ATM और O2 ऑक्सीजन गैस, और यहां पर आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा बच्चों 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब 200 डिग्री सेल्सियस आपको क्या रखना पड़ेगा बच्चों? यहां पर आपको टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, O2 आपका कैटलिस्ट का काम करेगा, और जो आपका प्रेशर है, प्रेशर आपका 1500 ATM से 2000 ATM तक आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आपका पॉलीथीन बनेगा वो आपका लो डेंसिटी वाला होगा, ठीक है। क्यों होगा बच्चों? ठीक है, LDPE नॉट क्लोजली पैक्ड, यह आपका क्लोजली पैक्ड नहीं होता, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है बच्चों? आपका यहां पर लो डेंसिटी। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। देखो बच्चों, ब्रांच जो होता है, ये भी आपका ब्रांच होता है, लेकिन ब्रांच आपका इतना क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लो डेंसिटी पॉलीथीन। नाउ अब हम पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों? HDPE, मतलब क्या बोलेंगे बच्चों? इसका जो पूरा नाम होगा बच्चों वो क्या होगा? लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसको हम पहले से नाम भी इसका वही है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसका नाम क्या होगा? लो डेंसिटी पॉलीथीन। और इसका नाम क्या होगा बच्चों? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसका नाम क्या होगा? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इस तरीके से इसके नाम होंगे बच्चों, ठीक है। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन में भी आपका सिमिलर है बच्चों। हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी आपका क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यह आपका N मॉलिक्यूल एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। जब आपका यहां पर एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा तो यहां पर इथीन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? यहां पर इथीन बनेगा, पॉलीथीन। देखो इसको भी क्या बोलेंगे? इथीन। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका पॉलीथीन। अब ध्यान से समझना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा तो क्या बोलोगे? इथीन। पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा बच्चों? इथीन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों किसके एग्जांपल है, ये आपका किसका एग्जांपल है बच्चों बताओ? यह आपका होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल होगा, एक ही टाइप का पॉलीमर है, तो यह आपका किसका एग्जाम्पल होगा? होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल होगा बच्चों? ये आपका होमोपॉलीमर, और कंप्लीटली ये हमने लेबोरेटरी में बनाया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक पॉलीमर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? हम
सिंथेटिक पॉलीमर। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपका पॉलीथीन का प्रिपरेशन हुआ। अब ये आपका क्या होता है बच्चों, ये वाला आपका क्लोजली पैक्ड होता है। क्या होता है बच्चों, क्लोजली पैक्ड होता है। अब क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी हो जाती है बच्चों इसकी, ठीक है। अब इसमें हम ध्यान से समझते हैं, यहां पर आपको TiCl4 क्या होता है, TiCl4 और साथ साथ आपको यहां पर एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम C2H5 एल्यूमिनियम C2H5 होल थ्राइस का यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। एल्यूमिनियम C2H5 होल थ्राइस का यूज करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये अक्सर आपसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, व्हाट इज अ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो आप जान सकते हो यहां पर TiCl4 और एल्यूमिनियम ट्राई एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम इज कॉल्ड व्हाट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अगर मैं यहां पर पूछूं कि यहां पर C2H5 पर चार्ज कितना होगा, तो आई होप सो कि सब बता देंगे, लेकिन आप लोगों को मैंने कुछ आइडिया दिया हुआ है। देखो यहां पर C2H5 ये माइनस होगा और एल्यूमिनियम के ऊपर क्या होगा, +3। अब ये दोनों मिलके आपका बनाएंगे बच्चों ये ट्राई एल्यूमिनियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो इस तरीके से हमारा पॉलीथीन था जो कि हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब हम और भी एग्जाम्पल को देखते हैं एक एक करके, तो इसको नोट डाउन कर लो, मैं रब करता हूं। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां पर पॉलीथीन हो चुका है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो बच्चों ये चैप्टर कंप्लीटली आपके मगअप करने का है, तो आप लोगों को जितना ज्यादा इस चैप्टर को 2 या 3 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को आई होप कि अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं अगला एग्जाम्पल बच्चों। तो अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है बच्चों, पॉली प्रोपाइलिन। अब देखो पॉली प्रोपाइलिन आपका होता क्या है, ध्यान से समझना। यहां पर देखो CH3CH2। अब देखो इसका अगर मैंने N यूनिट लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइलिन। इसका नाम क्या होगा बच्चों, प्रोपाइलिन। और आप इसका IUPAC नेम भी ध्यान रखना, अक्सर आप लोगों का IUPAC नेम भी पूछ लेता है। तो IUPAC नेम के हिसाब से हम इसका नाम क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी बताओ, 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, फटाफट देख सकते हो आप इसका नाम क्या होगा, प्रोप 1-ईन, इसको हम बोल देंगे प्रोपाइलिन। नाउ अगर मैंने इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम C2H5 होल थ्राइस के प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंट में बच्चों, एल्यूमिनियम C2H5 होल थ्राइस के प्रेजेंस में मैंने अगर रिएक्शन कराया, तो मैं आज आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। देखो जहां पर बॉन्ड नहीं है वहां पर बॉन्ड बना दो, सॉरी हाँ ये आपका इस तरीके से CH3 तो आपका नीचे रहेगा। अब देखो यहां पर एक बॉन्ड बना दो इस तरफ, यहां पर सिंगल डबल बॉन्ड है तो इसको सिंगल बॉन्ड कर दो, डबल बॉन्ड को हमेशा क्या कर देना है, सिंगल बॉन्ड। और यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड किया तो यहां पर एक वैलेंसी खाली, ध्यान से समझना, CH2 में अगर मैंने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिया तो आपका एक वैलेंसी खाली हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से बना दो, ठीक है। CH3 को आप कहां लाया जा सकते हो बच्चों, नीचे ले जा सकते हो। ये क्या होता है बच्चों, हमारा पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। ये हमारा क्या होगा बच्चों, पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। अब इसमें ध्यान से समझना, इसका यूज हम कहां करेंगे, इसका यूज आप लोग मैक्सिमम टॉयज पाइप्स फाइबर बनाने में इसका यूज होता है बच्चों। ये इसके यूज है जो आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने, बस थोड़े बहुत यूज अगर आप लोग ध्यान रख लोगे तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यह आपका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है बच्चों। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल था। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों एक और एग्जाम्पल, तो नीचे लिखता हूं बच्चों मैं इसको नीचे लिखता हूं, पॉलीस्टायरीन, ठीक है, पॉलीस्टायरीन। आप ध्यान से समझना बच्चों, पॉलीस्टायरीन। अब पॉलीस्टायरीन आपका होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है,
पॉलीस्टायरीन आपका होता क्या है, देखो ध्यान से, देखो ये मैंने सी डबल बॉन्ड सी एच टू बना दिया, जहां पर मैंने बेंजीन रिंग बना दी, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टायरीन। इस यूनिट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टायरीन। इस यूनिट को हम बोलेंगे स्टायरीन। अब देखो स्टायरीन की रिएक्शन अगर मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड में कराया, ठीक है बेटा, अब ध्यान से समझना, आपके एनसीईआरटी में यहां पर रिएक्शन में कोई भी रिएजेंट नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको मैं रिएजेंट क्यों लिखा रहा हूं, कई बार अक्सर क्वेश्चन पूछ चुका है कि बच्चों रिएजेंट क्या होगा, कौन सा रिएजेंट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और खास तौर से हाई डेंसिटी पॉलीथीन का तो रिएजेंट आपसे पूछा हुआ है, दो तीन बार आपसे पॉलीमर में पूछा हुआ है। पॉलीमर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या तो मोनोमर यूनिट पूछेगा या तो ये पूछेगा, ठीक है। अब देखो पॉलीस्टायरीन ये हो गया, स्टायरीन बना लिया मैंने, इसमें रिएक्शन मैंने कराया बेंजोइल पेरोक्साइड का, बेंजोइल पेरोक्साइड का रिएक्शन कराया। अब बेंजोइल पेरोक्साइड आपका होता क्या है बच्चों, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, C6H5CO, यहां पर आपका O2, ठीक है, O O इस तरीके से मैंने बनाया था, याद है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, मैंने इस तरीके से इनिशिएटर बनाया था। अब मैंने आपको क्या बोला कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक डाउन कर लो, इसको छोड़ दो, डबल बॉन्ड आपका कहाँ है, यहां है, अगर मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया तो यहां पर एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, ये मैंने बना दिया, यहां पर आपकी एक वैलेंसी खाली हो गई, यहां डबल बॉन्ड को हटाया तो इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, एक वैलेंसी खाली कर दी, देखो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलीस्टायरीन, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉलीस्टायरीन। इस तरीके से आप इसको फॉर्म कर सकते हो पॉलीस्टायरीन को। तो थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला कि पॉलीप्रोपाइलीन का मोनोमर क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, प्रोपाइलीन, या तो इसके आगे वाला नाम वो हटा दो, पॉली हटा दो, प्रोपाइलीन, लेकिन आपसे प्रोपाइलिन इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि उसने बोल दिया है, आपसे क्या पूछेगा, प्रोप वन इन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टायरिन ये भी आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं यहां पर, इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आप लोगों को नोट डाल के लिख लेना चाहिए बच्चों, मैं लिखाता हूं, देखो अगर मैंने नोट डाल के यहीं पर लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ स्टायरीन, स्टायरीन का प्रिपरेशन आप किस तरीके से करोगे, देखो ये मैंने बेंजीन बना दिया, अगर मैंने बेंजीन की रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ AlCl3 के साथ करा दिया, तो बच्चों आप लोग जानते हो इस रिएक्शन को अच्छे से, आई होप कि आप लोगों को पता होगा ये रिएक्शन आपका कौन सा है, फ्रिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, ये आपका फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है, तो यहां पर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन होगा, तो यहां पर ये आपका बन जाएगा, ये आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिएगा बच्चों। नाउ इसकी रिएक्शन अगर मैंने एल्यूमिनियम एल्यूमिना और Cr2O3 के प्रेजेंस में करेगा तो यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर आपका H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा दोनों साइड से, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर देखो किसका प्रिपरेशन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टायरीन, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टायरीन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम इसका प्रिपेयर करेंगे स्टायरीन का। नाउ अब देखो इसका यूज क्या किस में होता है बच्चों, फूड कंटेनर में होगा, कुकिंग कुकिंग मटेरियल, या फिर बोटल्स बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो टेलीविजन, या फिर बोल सकते हो कुकिंग कुकिंग इंस्ट्रूमेंट, इन सब में इसका यूज होता है बच्चों, कुकिंग इंस्ट्रूमेंट, इन सब में इसका यूज होता है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसका यूज। यूज तो बेटा आप लोगों को खुद मगअप करना है बच्चों, एक एक करके, ठीक है। यूज में कई हद तक गलतियां भी होती है, कई हद तक आपके कई बुक में अलग दिया होता है, कई बुक में अलग दिया होता है, तो आई होप सो कि आप एनसीईआरटी को प्रेफर करो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे आपको पॉलीमर के यूज के साथ आपको इंडेक्स दिया हुआ है, उसको एक बार देख लोगे तो आप लोगों का काफी हद तक इम्प्रूव आपका हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये किस टाइप का एग्जांपल है, होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर, तो यहां पर आपका जो मोनोमर यूनिट है केवल एक ही मोनोमर यूनिट है बच्चों यहां पर, जब यहां पर आपका एक ही मोनोमर यूनिट है,
तो ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा, होमोपोलीमर का। ठीक है बच्चों, नाउ पॉलीस्टाइरीन हम लोगों ने खत्म कर लिया, अब हम देखते हैं बच्चों आगे। ठीक है, आगे हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, आगे देखते हैं बच्चों टेफ्लॉन, काफी इंपॉर्टेंट है टेफ्लॉन। अब देखो टेफ्लॉन को मैं लिखता हूं टेट्राफ्लोरोइथीन। अब देखो टेट्राफ्लोरोइथीन का मतलब समझना ध्यान से, चार फ्लोरीन लगा दिया, चार फ्लोरीन लगा दिया बच्चों मैंने। अब टेट्राफ्लोरोइथीन का अगर मैंने ये लिया, अब मैंने आपको बता रखा है बच्चों सिंगल बॉन्ड टूटेगा, देखो डबल बॉन्ड टूटेगा उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर लो, सिंगल बॉन्ड में, मैंने कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि यहां पर कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो चुकी है, कार्बन ने तीन तीन बॉन्ड बना रखे हैं ना बच्चों, तो यहां पर एक वैलेंसी फ्री हो गई है। जैसे ही एक वैलेंसी फ्री होगी तो एक बॉन्ड आप बाहर खींचो, एक बॉन्ड यहां खींचो, यहां पर एन बन जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेफ्लॉन, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, टेफ्लॉन। और इसका नाम क्या होगा, मोनोमर यूनिट आपका क्या हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोइथीन, ये इसका मोनोमर यूनिट आपका हो जाएगा बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको मोनोमर यूनिट्स को निकालना है। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कैटलिस्ट की, तो इसका कैटलिस्ट आपका क्या होता है बच्चों, अमोनियम पेरोक्सी डाइसल्फेट, अमोनियम पेरोक्सी डाइसल्फेट इसका कैटलिस्ट होगा बच्चों। अब क्या होता है, ये आपका काफी ज्यादा टफ होता है, ये भी आपका कौन से पॉलीमर का एग्जांपल है बच्चों, ये भी जान लो, ये भी आपका एडिशन पॉलीमर का, एडिशन पॉलीमराइजेशन, जब मैं उसी का एग्जांपल बता रहा हूँ तो उसी का होगा, लेकिन फिर भी एनालिसिस करना सीख लो। ये आपका क्या होगा, होमोपोलीमर या कोपोलीमर, जल्दी बताओ बेटा, ये जल्दी से आप लोग सोल्व करो, होमोपोलीमर होगा या आपका कोपोलीमर होगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, यहां पर ये आपका होमोपोलीमर होगा या कोपोलीमर होगा, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, होमोपोलीमर का एग्जांपल होगा। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, ये आपका काफी टफ होता है। आप देखो टफ होने की वजह से ये आपका कुकिंग गैस, गैस कैट बनाने में काम आता है, इस तरीके से आपका कुकिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम आएगा। जैसे जैसे हम बोल सकते हैं कि ये आपका टफ होता है, तो कहीं कहीं आप इसका वाइडली यूज भी देख सकते हैं, तो यूज पे अभी उतना मत जाओ, आप रिएक्शन क्या है, रिएक्शन को ध्यान रखो। ठीक है, और मोनोमर यूनिट्स को ध्यान रखने की कोशिश करो ना बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते बच्चों, पीवीसी, पीवीसी का तो आप लोग ज्यादा यूज देख चुके हो, वाइडली यूज होता है बच्चों इसका, आपका इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है आपका, पीवीसी पाइप्स होती है, इस तरीके से आपका होता है। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, पीवीसी। अब देखो पीवीसी क्या होगा बच्चों, आप लोग जानते हो, ये मैं विनाइल क्लोराइड बना देता हूं बच्चों, देखो CH2CH, ये मैंने Cl बना दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, विनाइल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, विनाइल क्लोराइड बोलेंगे। अब देखो विनाइल क्लोराइड मैंने इसको बोल दिया, अब क्या होगा बच्चों, मैंने जैसा कि आपको बताया था, अब क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो कर दो कन्वर्ट, डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और यहां पर एन लगा दिया, एक बार आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पॉली, इसको क्या बोलेंगे, पॉली विनाइल क्लोराइड। अब आपसे पूछा जाएगा, अगर मुझे मोनोमर यूनिट बताओ तो इसका, तो इसके मोनोमर यूनिट का नाम क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। मैक्सिमम केस में आपको पॉली हटा देना है। ठीक है, अगर इसका IUPAC नेम पूछे तो आप लोग बता सकते हो, क्या होगा, 1-1-1-क्लोरोइथीन इसका हो जाएगा। अब इसमें कैटलिस्ट क्या होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, अब पीवीसी का आपका यूज कहाँ होता है बच्चों, पाइप बनाने में। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, बस इतना ध्यान रख लो, ये भी आपका एक तरीके का क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो इस तरीके से आप पीवीसी का, ये आपका पॉलीमर है, ये आपका मोनोमर है। ठीक है नाउ बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे देख लेते हैं बच्चों, यहां पर
नेक्स्ट पे पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। अब देखो पॉली एक्राइलो नाइट्राइल आपका होता क्या है, ध्यान से समझते हैं, यहां पर ध्यान से समझते हैं बच्चों, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल आपका होता क्या है बच्चों, ध्यान से, काफी इजी। इसका एक और नाम है, इसको हम बोल सकते हैं ओरलॉन, इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, ओरलॉन, ठीक है। अब पॉली एक्राइलो नाइट्राइल में क्या करना है, जैसे मैंने स्टायरिन में जैसे मैंने CN वो बेंजीन लगाया था और CL लगाया था कि नहीं लगाया था बच्चों, जैसे मैंने स्टायरिन में बेंजीन लगाया था और CL लगाया था, उसी तरीके से CL हटा के CL की जगह क्या लगा देना है बच्चों, CN, ये मैंने लगा दिया। नाउ इसकी रिएक्शन अब आप लोग जानते हो किस तरीके से करना है। देखो डबल बॉन्ड तोड़ो, सिंगल बॉन्ड बनाओ, बना दिया, यहां पर ये हो गया, यहां पर CN, अब इसको N कर दिया, तो ये क्या बन गया बच्चों आपका ओरलोन पॉली एक्राइलो नाइट्राइल, ये आपका क्या बन गया बच्चों, ओरलोन पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। थोड़ा सा ध्यान से समझो, एक बार ध्यान से समझो, काफी इजी है बच्चों। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, आप लोगों को मैंने बताया था फेंटोन रिएजेंट, तो फेंटोन रिएजेंट के प्रेजेंस में आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर, इसको हम क्या बोलना चाहेंगे बच्चों, होमोपॉलीमर, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपका क्या क्या बनाने में काम आएगा, ब्लैंकेट, कारपेट, ये आप ETC, और ये आपका मैक्सिमम क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी होती है थोड़ी सी, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये आपका वाटर रेजिस्टेंस होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ एडिशन पॉलीमर को पढ़ लिया है, ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ इतना खास नहीं है, ठीक है, अब इसमें इतना कुछ खास नहीं है ना बच्चों। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तो देखते हैं एक एक करके यहां पर एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में सर क्या बताने वाले हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बच्चों आपका एक स्मॉल मॉलिक्यूल का लॉस होगा, लाइक व्हाट, लाइक H2O, NH3, HCl एक्सेट्रा, इन सब का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहला कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मैं बात करता हूं टेरेलीन, ठीक है, टेरेलीन, ये मेरा पहला एग्जांपल समझते हैं बच्चों, टेरेलीन क्या होता है बच्चों, टेरेलीन का दूसरा नाम आपको डेक्रोन भी मिल सकता है, ध्यान से समझना, टेरेलीन का दूसरा नाम आपको क्या क्या मिल सकता है बच्चों, डेक्रोन भी मिल सकता है। अब टेरेलीन बनाने का एक सिंपल तरीका है बच्चों, ग्लाइकोल का रिएक्शन, किसका, ग्लाइकोल, मोनोमर समझना बच्चों, ग्लाइकोल का रिएक्शन अगर मैं थैलिक एसिड के साथ करूं, टेरिथैलिक एसिड के साथ करूं, अब थैलिक एसिड क्या होगा बच्चों, पी साइलेंट है, अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दिया और यहां पर मैंने ग्लाइकोल, देखो मैंने ग्लाइकोल बनाया, CH2OH, अब बात को ध्यान से समझना, इसकी रिएक्शन कराया तो यहां से C वाले साइड से क्या निकलेगा, यहां से आपका OH बाहर निकलेगा और यहां से आपका H बाहर निकलेगा, यहां से आपका OH बाहर निकलेगा, यहां से H, तो इसी तरीके से यहां से भी OH बाहर निकल जाएगा और इसी तरीके से यहां से भी आपका H बाहर निकल जाएगा, तो आपका क्या बनने वाला है बच्चों, देखो ये मैंने इस तरीके से बना देता हूं, देखो यहां पर CH2, सिंगल बॉन्ड को आपको कुछ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड को आपको इसमें कन्वर्ट नहीं करना है, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है, डबल बॉन्ड को किसमें, सिंगल बॉन्ड में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, डबल बॉन्ड को आप लोग किसमें कन्वर्ट कर दो बच्चों, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जुड़ जाएगा, अब देखो यहां पर आपका O, ठीक है, CO, यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका बेंजीन हो जाएगा, ठीक है, यहां पर CO, इस तरीके से आपका बन गया,
इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डेक्रॉन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, डेक्रॉन। ये इसका नाम क्या होगा बच्चों, आपका डेक्रॉन नाम होगा इसका, ठीक है, टेरिलिन। अब ये यहां पर क्या हुआ बच्चों, यहां पर टेम्परेचर देंगे, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों, अब अगर मैं बोलूंगा तो यहां पर ये कौन सा बॉन्ड है, आई होप कि सबको आइडिया लग गया होगा, ये आपका एस्टर वाला बॉन्ड है, ये आपको एस्टर वाला बॉन्ड है। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीएस्टर। ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा बच्चों, पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, पॉलीएस्टर का। तो इस तरीके से हमने यहां पर किसका प्रिपरेशन कर लिया बच्चों, टेरिलीन का, और ध्यान भी रख लिया। अब ये आपका को पॉलीमर है कि होमो पॉलीमर, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, को पॉलीमर, को पॉलीमर। अब यहां से आपका CH3, यहां से आपका किसका लॉस हो गया बच्चों, H2O मॉलिक्यूल का। किसका लॉस हो गया, H2O मॉलिक्यूल का। अगर यहां से आपका H2O मॉलिक्यूल का लॉस हो गया बच्चों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों, अब हम समझते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है बच्चों ग्लिप्टल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है बच्चों, यहां पर ग्लिप्टल, ग्लिप्टल। अब देखो ग्लिप्टल में क्या करना है बच्चों, ग्लिप्टल में क्या करना है, ग्लाइकोल की रिएक्शन अगर मैंने थैलिक एसिड के साथ, किसके साथ, थैलिक एसिड के साथ। अब देखो टेरिथैलिक एसिड मतलब दोनों पैरा पोजीशन पे, अगर मैंने इस तरीके से दोनों को आपस में एडजेसेंट पोजीशन पे लगा दिया, एडजेसेंट पोजीशन पे लगा दिया, तो ये आपका थैलिक एसिड। नाम ध्यान रखना, थैलिक एसिड, थैलेमाइड, ये सब आपका बनेगा ना। थैलेमाइड क्या होता है बच्चों, थैलेमाइड आपका मैंने आपको बताया था, थैलेमाइड की रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा तो आप लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था बच्चों, इसके साथ ही तो आपने क्या था, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, इसके साथ ही तो आपने क्या था, गैब्रियल थैलेमाइड। तो ये आपका क्या होगा, थैलिक एसिड। अगर मैं इसका अमाइड बना दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, थैलेमाइड। ये बन गया आपका थैलेमाइड, काफी इजी है। नाउ अब ग्लाइकोल का रिएक्शन कराना है तो काफी इजी है, देखो OH CH2 CH2 OH। अगर इसकी रिएक्शन कराया तो यहां से फिर से आपका OH जाएगा, यहां से आपका क्या जाएगा, OH, और यहां से क्या जाएगा, H, ये दोनों जाएगा, और यहां से भी आपका OH चला जाएगा, यहां से भी आपका H चला जाएगा। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो O को ऐसे बना दिया, यहां पर CH2 CH2 O, ठीक है। अब ये आपका O किसके साथ अटैच होगा, CO। अब देखो ये इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से आपका बॉन्ड बन जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी है। CO यहां पर इस तरीके से आपको खुल जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्लिप्टल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्लिप्टल। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, ग्लिप्टल बोलेंगे, ठीक है। अब आपका यहां पर हम इसमें बोल सकते हैं, ये आपका किस में काम आता है, ये आपका आपका काम आएगा किसमें, ये आपका काम आ जाएगा पेंट और लिकर्स बनाने में, ठीक है, लिकर्स बनाने में इसका काम होता है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका ग्लिप्टल हो गया। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, इसका पेंट बनाने में वाइडली यूज होता है, पेंट बनाने में इसका वाइडली यूज होता है, तो थोड़ा सा पेंट वाला यूज इसका ध्यान रखना। ग्लिप्टल क्या होता है, थैलिक एसिड, टेरिलिन क्या होता है, टेरिथैलिक एसिड। बस इस तरीके से आप लोगों को मैं आपको कैटेगरी वाइज लिखा रहा हूं ताकि आपको एक साथ मगअप करने में दिक्कत ना हो। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारा नायलोन का है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारा किसका बच्चों, नायलोन का। तो एक एक करके नायलोन को समझते हैं बच्चों। बस पॉलीमर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, पॉलीमर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, और मैं पॉलीमर में जो आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप, आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पॉलीमर में देख लेते हैं, यहां पर सबसे पहला हमारा नायलोन। अब देखो नायलोन क्या होता है बच्चों, नायलोन आपका दो टाइप का होता है, एक मैंने बताया जाता था नायलोन, नायलोन 6-6। अब नायलोन 6-6 का मतलब क्या होगा, नायलोन 6-6 आपका एडीपिक एसिड, कौन सा, एडीपिक एसिड, और आपका हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, यहां पर हेक्सामिथाइलिन डायमाइन।
अगर मैंने इसके रिएक्शन कराया तो यहाँ पर पॉलीमर बनेगा जिसका नाम क्या होगा, नायलोन 66, जिसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों आपका, नायलोन 66। देखो एडीपिक एसिड, यहाँ पर नाम गलत लिख दिया, सॉरी एसिडिपिक के लिख दिया एडीपिक एसिड। ठीक है, एडीपिक एसिड क्या होता है बच्चों, ये होता है यहाँ पर सिक्स, एक सिक्स का मतलब सिक्स कार्बन का और दूसरे सिक्स का मतलब हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो यहाँ पर सॉरी इसका नाम यहाँ पर आपका चार होगा और यहाँ पर सी डबल ओ एच, यहाँ पर भी आपका सी डबल ओ एच, ठीक है ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपका NH2, यहाँ पर गलत कर देता हूँ बार बार, थोड़ा सा समझना बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये आपका हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, अब इसकी रिएक्शन अगर मैंने कराया तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ओ एच, मैंने आपको जैसा मैंने आपको पहले बताया था यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ओ एच। अब बताओ बच्चों ग्लिप्टल में कौन सा आपका बॉन्ड था, एस्टर बॉन्ड था। ग्लिप्टल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर। ग्लिप्टल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएस्टर। एक बार पीछे पलट के देखो, वहां पर वो एस्टर बॉन्ड का प्रिपरेशन हो रहा था। अगर जब भी आपका ओ एच और सी डबल ओ एच के बीच बनेगा तो वो आपका पॉलीएस्टर होगा। अब आपका यहां पर देखते क्या बनेगा, ठीक है यहां से एच, यहां से आपका कौन बाहर निकलेगा, यहां से आपका ओ एच बाहर निकलेगा, यहां से आपका एक एच बाहर निकल जाएगा, यहां से भी आपका ओ एच बाहर निकलेगा, यहां से भी आपका एक एच बाहर निकलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका बन जाएगा। देखो काफी इजी है, आप लोगों को काफी इजी पड़ जाएगा बच्चों ये चैप्टर। ये चैप्टर में बच्चों आप बोनस मार्क्स उठा सकते हो, लेकिन लकीली इस चैप्टर का कम क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा। तो फिर भी आप लोगों को अगर एक क्वेश्चन भी आए तो वो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। आई होप सो कि आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो तो आप लोग कर लोगे बच्चों, ठीक है। कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। देखो ये आपका आ गया। अब अगर मैं बोलना चाहूं तो यहां पर आपका कौन सा होगा बच्चों, यहां पर आपका पोली अमाइड बॉन्ड होगा, अमाइड बॉन्ड बना ना। अब ये अमाइड बॉन्ड आपका कैसा होगा, पोली अमाइड, मतलब हर जगह बनेगा, यहां पर भी आगे बनने वाला होगा, यहां पर भी आगे बनने वाला होगा। दिस इज वॉट, दिस इज अ ओनली रिपीटिंग यूनिट, जहां मैं एन लिखता हूँ वो रिपीटिंग यूनिट होता है। अब यहां पर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, तो अगर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, H2O का लॉस हुआ। अभी मैं N को नहीं लिखूंगा, N के बारे में मैं आपको N के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, पहले इसको देख लो। H2O मॉलिक्यूल का लॉस हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। और ये आपका किसका एग्जांपल होगा बच्चों, को पॉलीमर का आपका ये एग्जांपल होगा एक एक करके, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल आता है बच्चों यहां पर आपको एक और एग्जाम्पल होगा बच्चों, यहां पर नायलोन, नायलोन 610। अब नायलोन 610 क्या होगा, नायलोन 610 में हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन की रिएक्शन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन की रिएक्शन, अगर मैं सेबेसिक एसिड, सेबेसिक एसिड में क्या होगा, 10 कार्बन, देखो 10 कार्बन वाला बना दिया सेबेसिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, सेबेसिक एसिड, सेबेसिक्स, सेबेसिक एसिड, ध्यान से नाम भी याद रख लेना यहीं पर, सेबेसिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, सेबेसिक एसिड, ठीक है। तो इसको एक काम कर लो, सिक को ये कर लो, ठीक है, सेबेसिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट। नाउ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से ओ एच बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से एच आपका बाहर निकलेगा, जैसा कि हम अब तो कर ही रहे हैं। अब आप लोगों को आ गया होगा किस तरीके से, आप लोग खुद बनाते जाओ पॉलीमर अपने हिसाब से और बाद में चेक करो कि क्या मेरा पॉलीमर जो मैंने बनाया, क्या मेरा पॉलीमर सही है। और यहाँ पर आपका किसका है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ से भी आपका ओ एच जाएगा और यहाँ से भी आपका एच मोलिक्यूल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नायलोन 610, नायलोन 610, 10 का मतलब 10 कार्बन, 6 का मतलब 6 कार्बन, ठीक है बच्चों। ये मैंने बना दिया पॉलीमर, ठीक है, ये भी आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है, को पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से अगर मैं बोला चाहूँ कि इसके अंदर भी कौन सा होगा बच्चों, पॉलीअमाइड बॉन्ड होगा, इसके अंदर भी कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, पॉलीअमाइड बॉन्ड होगा। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, नायलोन में ही, नायलोन में एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नायलोन 6, अगला एग्जाम्पल नायलोन में, नायलोन 6, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरलॉन भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैरलॉन। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं बच्चों,
यहां पर नायलॉन 6। अब आप लोग बताओगे बच्चों नायलॉन 6 ये मैंने आपको कॉपी में करा रखा है, ये मैंने आपको कॉपी में करा रखा है, ठीक है, ये मैंने आपको कॉपी में करा रखा है। अब इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग बताओ, देखो करो आप लोग। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरलोन, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको हम बोलेंगे पैरलोन। अब देखो पैरलोन का क्या करेंगे बच्चों, नायलॉन 6 का थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया, हेक्सामिथाइलिन डायमंड का ऑक्सीडेशन करा दिया, तो यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका OH आ जाएगा। देन फर्दर मैंने इसको के क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड कीटोन बना जाएगा, मुझे यहाँ पर कीटोन मॉलिक्यूल को जोड़। अब देखो कीटोन मॉलिक्यूल को जोड़ दिया। नाउ अगर मैंने इसका यहाँ पर इस तरीके से रिएक्शन करा दिया NH2OH के साथ, तो ये तो आप जानते हो, ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, यहाँ पर बैकमैन रीअरेंजमेंट है। नाउ इसका रिएक्शन मैंने अगर H2SO4 के साथ करा दिया, H2SO4 के साथ करा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, बैकमैन रीअरेंजमेंट, ये मैंने आपको बताया था। और अब बताओगे आप लोग नाम, आप लोग अपने अपने मर्जी से एक बार नाम बोलने की कोशिश करो, एक बार नाम बोलने की कोशिश करो बच्चों। इसका नाम मैंने आपको लिखा रखा है, इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका, इसका नाम क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम होगा कैप्रोलेक्टम। इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका, कैप्रोलेक्टम। अब देखो कैप्रोलेक्टम को अगर मैं पॉलीमराइज करूंगा तो ये आपका चेन में टूट जाएगा, यहां से ये और यहां से, सॉरी इसको हम बोल सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं यहां से ये वाला तोड़ दो, यहां से ये वाला बोर्ड तो तोड़ दो, बस ये वाला बोर्ड को तो तोड़ दो, तो यहां पर NH आपका बाहर, CO यहां पर CH2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, 5, ये बन गया आपका पॉलीमर। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, लेकिन आपको पता नहीं पड़ रहा कि कंडेंसेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कैप्रोलेक्टम काफी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जा चुका है बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहाँ से, और कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि नायलॉन 6 का मोनोमर क्या होगा, क्या होगा, कैप्रोलेक्टम। नायलॉन 6 का आपका मोनोमर क्या होगा, कैप्रोलेक्टम, सिंपल बात है, ठीक है, काफी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पर नायलॉन 6 क्यों बोलते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मतलब नायलॉन 6 6 6 अगर होता तो दो मॉलिक्यूल होते, यहाँ पर 6 है तो एक मॉलिक्यूल होगा। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीमर, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं यहां पर एक और बात करते हैं बच्चों, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेलामीन पे तो आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे इसके एक साल पहले IIT मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन क्वेश्चन आपका पॉलीमर के बेसिस पे नहीं था, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा बच्चों, उसकी चिंता ना करो, ठीक है, ये आपका था मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, रेजिन, ठीक है, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात यह होगी कि यहां पर आपका, देखो यहां पर ध्यान से समझना, NH2 ये मैंने बना दिया, यहां पर मैंने N, यहां पर NH2, यहां पर आपका N, यहां पर आपका NH2, ठीक है। अब आपको मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस तरीके से मैंने बना दिया। अब देखो यहां पर अगर आप गौर करोगे तो जहां जहां कार्बन है वहां वहां अमाइन जुड़ा है, जहां जहां कार्बन है वहां वहां अमाइन जुड़ा है। अब फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा बच्चों, ये आपका क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपका क्या होगा, मेलामीन। अब मेलामीन का एक खास बात बताता हूँ बच्चों, मेलामीन आपका देखो नाइट्रोजन है, मेलामीन आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग है, तो इसके अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग ज्यादा होता है, और आपके जो पुराने टाइम में दूध में जो मिल्क में जो मिक्सिंग की जाती थी वो मेलामीन की जाती थी, और हम लोगों को चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता था, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट चेक में, अगर मैं मेलामीन को मिला के, व्हाइट कलर का होता है बच्चों ये मेलामीन, जो कि आपके वो पेंट व्हाइट वो वॉशिंग में काम आता है, डिस्टेम्पर बनता है उसमें काम आता है, या फिर आपके नेरोलैक आपने सुना होगा
उन सब में काम आता है बच्चों, ये काफी ज्यादा सिंपल है। तो मेलामाइन को पहले मिक्सिंग किया जाता था, और मिक्सिंग करने के बाद आप लोग जानते होंगे कि मिल्क का हम क्या करते थे, पहले टेस्टिंग होता था किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में आने से पहले उसका टेस्टिंग आपका हुआ करता था। अब मेलामिन का इसी तरीके से टेस्टिंग हुआ। अब टेस्टिंग किस बेसिस पे होगा, मिल्क का प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, उसके अंदर फैट है कि नहीं है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेन होने की वजह से इसमें आपके फैट वो प्रोटीन मैक्सिमम अमाउंट में हो गया, प्रोटीन आपका मैक्सिमम अमाउंट में हो गया। ठीक है, प्रोटीन जब आपका मैक्सिमम अमाउंट में हो गया तो सबको लगा कि ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसका हार्मफुल इफेक्ट आने लग गया कि फिर इसको फिर से चेक किया गया। तो चेक करने पर यह पता पड़ा कि यहाँ पर मेलामीन का यूज कर रहे हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। देखो एक्चुअली में जो वो चाइना में आपके मैक्सिमम जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो आपके मेलामीन के थ्रू होता है, और यही यही है ना रीजन है कि आपके मेलामीन को बैन कर दिया गया है, मेलामीन को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे कि मेलामीन का क्या है सीन, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब देखो मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में मेलामीन आपके मिल्क के प्रोडक्शन में कई बार काम आता था, लेकिन वो आपका क्या है, वो आपका इनलीगल है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब मेलामिन पे जो आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट इन मेलामिन, हाउ मेनी लोन पेयर इज प्रेजेंट इन मेलामिन इंटीजर टाइप में। तो क्या होगा बच्चों, ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का था, ये क्वेश्चन आपका किसका था बच्चों, वो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था बच्चों। ये आपका जब ये क्वेश्चन आपका अगर आईआईटी एडवांस का था तो आप सोच सकते हो कि आईआईटी एडवांस में कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछा और वहां से आपके कितना मार्क्स इजीली आ सकता था। तो बताओ बच्चों कितना होगा बच्चों, यहां पर आपका कितना होगा, यहां पर आपके 6 बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आपका बनेगा, 6 यहां पर लोन पेयर है। नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, एन यहां पर, एन यहां पर भी, एन यहां पर, इस तरीके से आपका मेलामिन। देखो अब NH, देखो यहां पर आपका क्या होगा, NH की जगह NH बना दो और ये वाला H इस पर ले आओ। तो यहां पर जब ये वाला H इस पर लिया आया, ये H यहाँ ट्रांसफर हुआ, यहां पर पार्शियल प्लस, यहां पर माइनस, ये इस पर अटैक कर जाएगा तो यहां पर CH2OH बना देगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी और इसी तरीके से भी यहां पर भी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहां पर मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का प्रिपरेशन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ये काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यहाँ से यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब जो मैं आपको पॉलीमर बता रहा हूँ बच्चों वो आपको पूछेगा, देखो फॉर्मेल्डिहाइड है, मेलामिन है, आपसे मोनोमर यूनिट अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, मेलामिन और फॉर्मेल्डिहाइड। नाउ बच्चों अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट के लिए मुझे बोर्ड को रब करना पड़ेगा। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, अब मेलामिन के बारे में तो पढ़ लिया, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, तो इसमें ध्यान से समझेंगे, फिनोल फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब देखो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन आपका होता क्या है बच्चों, देखो यहां पर मोनोमर क्या होगा बच्चों, आप लोग जान सकते हो इजीली, ये आपका फिनोल हो गया, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये आपका रेजिन हो गया, ये आपका मोनोमर हो गया। अब जब इसको रिएक्शन में बेसिक मीडिया में कराऊंगा, तो बेसिक मीडिया में जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, सोचो थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा सोचोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। तो यहाँ पर जब मैं बेसिक मीडिया में रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका एक, तो देखो आपका ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो यहाँ पर एक आपका C2OH बन जाएगा, यहां पर भी आपका C2OH आके जुड़ जाएगा, सिमिलरली यहां से हाइड्रोजन हटेगा और इस पर आ जाएगा। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, या तो आपका इस तरीके से बनेगा, या तो आपका एक कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, यहां पर इस तरीके से भी बन सकता है, इसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा अभी। देखो यहां पर C2OH भी बन सकता है, यहां पर OH, यहां पर C2C, यहां पर ये भी बन सकता है, और एक आपका कौन सा वाला बन सकता है बच्चों, पैरा वाला, CH2OH
और यहाँ पर OH। थोड़ा सा ध्यान से समझना, काफी इजी है, एक दो बार समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर OH का यूज इसलिए किया कि OH इस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप को बढ़ा देगा, इसीलिए मैंने यूज किया OH का। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। नाउ अगर मैंने ऑर्थो वाले का यूज किया, किसका यूज किया बच्चों, ऑर्थो वाले का, एक एक करके ध्यान से समझना। अगर मैंने यहाँ पर ऑर्थो वाले का यूज किया तो ऑर्थो वाले का अगर मैं पॉलीमराइजेशन कराऊंगा, आप देखो इसका पॉलीमराइजेशन कराऊंगा तो ध्यान से समझना, जब मैं इसका पॉलीमराइजेशन कराऊंगा तो यहां पर आपका OH दोनों साइड से आपका रिमूव हो जाएगा, यहां पर आपका OH दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा। अब देखो यहां पर आपका क्या बनेगा, ध्यान से समझना, ये आपका OH यहां पर, देखो देखो ध्यान से, अब देखो ये वाला है, इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला OH है, यहाँ पर CH2OH है, देखो ये वाला OH यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसको ट्रैप करके ले जाएगा, तो ये आपका इस तरीके से CH2 बनाएगा। नाउ यहाँ पर इसी तरीके से आगे वाले में क्या होगा बच्चों, आगे वाले में CH2 का OH जाएगा, ठीक है, इसमें चला गया है, इसमें यहां से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये वाला लिंक आगे बढ़ेगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन जाएगा, इसका हाइड्रोजन आगे वाला ले लेगा, तो इस तरीके से आपका बनेगा पॉलीमर, इसको क्या बोलेंगे, नोवलैक, नोवलैक, ठीक है, इसका नाम क्या होगा बच्चों, नोवलैक, नैरोलैक नहीं होगा बच्चों, नोवलैक इसका नाम होगा, क्या नाम होगा इसका बच्चों, नोवलैक इसका नाम होगा बच्चों आपको, और इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलीमर, इसको हम क्या बोलने वाले बच्चों, लीनियर पॉलीमर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलीमर, या इसका एग्जांपल हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं बच्चों इसका एक और वेरिएशन समझते हैं बच्चों अच्छे से। अब देखो एक और वेरिएशन में क्या होगा बच्चों, पॉलीमर आपका चैप्टर उतना कंसेप्चुअल नहीं है बच्चों, तो आप लोगों को ध्यान ही रखना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा रिएक्शंस, तो एक दो बार अगर आप पढ़ोगे तो आई होप कि आप लोगों को मगअप हो जाएगा। आप देखो ये मैंने ऑर्थो वाला यूज किया, एन मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहां पर OH आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक मैंने ये वाला यूज किया, एक मैंने ये वाला यूज किया, ठीक है, ऑर्थो, एक मैंने पेरा वाला यूज किया, ठीक है, एक मैंने कौन सा वाला यूज किया, पेरा वाला, देखो इस तरीके से मैंने यूज किया। अब देखो यहां पर मैं आपको बता दूं सिंपल, अगर मैं देखना चाहूं, अगर मैं इसका लिखना चाहूं पॉलीमराइजेशन करा के, पॉलीमराइजेशन स्टेप, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला आपका खासा इम्पोर्टेंट है, CH2 यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका क्या जाएगा CH2, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपका CH2 पेरा वाला, ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरीके से OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जाएगा CH2, यहाँ पर इस तरीके से ऑर्थो, ऑर्थो और पेरा वाले की मिक्सिंग करेंगे तो आपका इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट में अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH2, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका CH2, ये भी इस तरीके से, और यहाँ पर आपका OH, और ये भी आपका इस तरीके से आगे की ओर मूव कर जाएगा, आगे की ओर मूव कर जाएगा, और इसको यहाँ पर भी आगे की ओर मूव करेगा, यहाँ पर भी आपका आगे की ओर मूव करेगा, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जो कि किसके मिक्सिंग से बना है, ऑर्थो वाले की मिक्सिंग से और पेरा वाले की मिक्सिंग से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली में ये हो गया ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये पेरा, यहाँ पर ऑर्थो, ये पेरा, तो इस तरीके से आपका मिक्सिंग से बना है, ठीक है। अब इसमें ऑर्थो पेरा का भी मिक्सिंग होता है, एक आपका ऑर्थो पेरा भी मिक्सिंग होगा तो ये बनाएगा। अब ये आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर होगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होगा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, बेकेलाइट, इसका नाम क्या होगा, बेकेलाइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉलीमर बनाया है जो कि आपका क्या है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है, ये सारे कंडेंसेशन का एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। अब मैं बात करूंगा बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में रबड़ के बारे में, ठीक है, रबड़ भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद बायोडिग्रेडेबल
पॉलीमर के बारे में बात करके मैं आगे मूव ऑन करूंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।